अलीगढ़ के टप्पल में जिस तरह एक बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके बाद से वहाँ डर का माहौल है। हर किसी को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। लेकिन डर के इस माहौल के बीच कुछ लोग इस मामले पर राजनीति करने में लगे हैं, विरोध प्रदर्शन कर इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, इस घटना की आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है। कल कुछ प्रदर्शनकारियों ने बल्लभगढ़ से अलीगढ़ आ रहे एक परिवार को रोक लिया। आरोप के मुताबिक भगवाधारी युवकों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। बाद में पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उस लड़कों ने गर्दन में ऐसे भगवा कलर की पीली कलर स्वाफी डाल रखी थी और उन्होंने आया और हमारी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा दी, मोटरसाइकिल, बोला रुको, और किसी को पास फोन किया तो 5-7 और आ गए, इतनी देर में मारना शुरू कर दिया। 2.5 साल की बच्ची की हत्या के बाद सामने आने के बाद से ही टप्पल में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर रविवार के दिन टप्पल में महापंचायत होने की बात वायरल हुई तो पुलिस ने पूरे टप्पल को छावनी में बदल दिया। बाजार बंद कर दिए गए, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाने लगी। इसके बावजूद वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने पीड़ित परिवार से मिलने के नाम पर टप्पल जाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें काफी पहले ही रोक लिया, जिससे उनके समर्थक भड़क गए। वहीं बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस घटना को लेकर एक विवादित बयान दिया है। खुली अदालत में ऐसे लोगों को फांसी दी जाए ताकि दुनिया को संदेश मिल सके कि जो मानवीय मूल्यों की हत्या करता है, क्रूर और नंगा हत्या करता है, ऐसे लोगों को समाज में नंगा करके फांसी। इस बीच पीड़ित परिवार को इंसाफ और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए तमाम शहरों में प्रदर्शन जारी है। वाराणसी में महिलाओं ने महिला सुरक्षा का सवाल उठाया तो आगरा में हिंदुवादी संगठनों ने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस बीच लखनऊ में आज सीएम योगी ने पुलिस के आला अफसरों के साथ बैठक की और इस मामले में एक्शन लेते हुए सीओ पंकज श्रीवास्तव का तबादला कर दिया। बच्ची की हत्या के मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।